लॉकडाउन के दौरान पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये जो मजदूर तबके के लोग थे, दिहाड़ी मजदूर थे अधिकतर, उनको खाने पीने की तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम दावे और वादे किए जा रहे थे कि रैन बसेरों में तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन लोग फिर भी पैदल चलकर लगभग 300-350 किलोमीटर चलकर अपने गाँव तक जा रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इसी के बीच मैं इस समय दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं आनंद विहार बस अड्डे के पास मौजूद हूं। यहां पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने तमाम ऐसी समस्याएं हैं, चाहे खाने पीने की समस्या हो, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना पीना बांट रहे हैं, जो बच्चों को तो खाना पीना दे ही रहे, हर लोग जो भी भूखा होता है उसको पूरी पूरी मदद कर रहे हैं। उन लोगों से ही बात करते हैं, आखिरकार किस तरीके से कितने लोगों को मदद कर रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फैसला लिया है आपने खाना पर? भाई साहब, 3 दिन से यहाँ पर आनंद विहार पे बहुत बुरा हाल है, लोग पब्लिक आ रही है, अब यहाँ पर भूखे लोग प्यासे हैं। अब हमने माँ झंडे वाली और पहल फाउंडेशन के दोनों उससे हमने ये भंडारा बांटने का निर्णय किया था। कितने लोगों का सहयोग आप लोगों को मिला या फिर अपनी ओर से? हमारे सहयोग कम से कम पूरा मंदिर, झंडे वाला मंदिर की तरफ सेवादार हैं और पहल फाउंडेशन है, इनके सेवादार हैं और करके हजारों आदमी का खाना। कुछ और भी लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, कैसा लगता है? ये बेचारे गरीब छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के 2 दिन से हम देख रहे थे टीवी पे कि खाना नहीं मिल रहा, परेशान है गांव जाने के लिए, तो इसलिए इन्हें थोड़ा सा भोजन बना के लाए हैं, तो मतलब उनको बांट रहे हैं लोगों को। कहीं ना कहीं लोग मदद कर लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि इनका भी कहना है कि ये लोग काफ़ी दिनों से भूखे थे और लंबा सफ़र तय करके आ रहे थे, इन लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था। हालांकि सरकार तमाम दावे ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी भी लोग हैं जो भूखे अपने घरों से निकल जाते हैं और उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कई हाथ आगे आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।